गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो सभी? सब अच्छे हैं कि सर? बिल्कुल सब बढ़िया है, कुशल मंगल है। आप बताइए भाई। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। तो दो तीन दिन के बाद मिल रहे हैं, बीच में रेस्ट हो गया था, है ना? बिल्कुल। गुड इवनिंग नाक्षी, गुड इवनिंग। हेलो परू, कैसे हो? संजू कौशिक, गुड इवनिंग डियर। ज्योति, राम राम। तनु गहलोत, गुड इवनिंग डियर। अंशु डागर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पंकज बादशाह, राम राम भाई। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? विक्की दोड़िया, राम राम भाई। विक्की दोड़िया, राम 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 राम। और सब बढ़िया है, एकदम कुशल मंगल, बढ़िया। बहुत अच्छे, लाजवाब। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लगा दो भाई, सभी लाइक के साथ में अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों, पेपर फोल्डिंग, यानी कि कागज को मोड़ना। और कागज को मोड़ने के बाद खोलोगे तो फिर कैसे नजर आएगा? बढ़िया है सर जी, आज क्लास में मिले थे आप? हाँ परो, बिल्कुल आज क्लास में मिले थे, नजफगढ़ ब्रांच पे आज क्लास थी। काफी दिनों बाद मिल रहे, कम से कम एक डेढ़ महीने के बाद मिले, लंबा समय हो गया। चलिए, पेपर फोल्डिंग, कागज को मोड़ना, बस ये लाइक शेयर जो मैंने लिखा हुआ है। तो आप चैनल को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बाकी बच्चों की भी हेल्प होती रहे। डेली शाम 5 बजे अपनी लाइव क्लास रहती है। और आपका पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें उसने क्या बोला है कि जैसे कि ये पूरा एक पेपर है, अब इस पेपर को हमें मोड़ना है। ये तो खुला हुआ पेपर है, इसको हमें मोड़ना है। तो मोड़ने के बाद आपको कैसी इमेज नजर आएगी वो आपको इसमें बताना होगा। तो करिए प्रैक्टिस, बताइए भाई क्या हो। अंशु डागर, हाँ जी ठीक है बच्चे। तो देखो क्या करना है कि आप किसी भी साइड मोड़ दो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे आपका जो भी डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम होना चाहिए आपका इस साइड में, लेफ्ट साइड में ही आपका फोल्ड होना चाहिए। तो देखो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, इसी पार्ट की यहाँ पे आपको क्या बना देनी है, इमेज बना देनी है। इमेज यानी कि क्या बनाना है आपको यहाँ पे, इसका वोटर इमेज बनाना है। तो आपका डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगा। तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है? फर्स्ट का हो गया है, आप सबका आंसर फर्स्ट हो गया है। तो बस आपको इतना सिंपल सा काम करना है। ज्योति राठी 5 बजे, अच्छा क्या बता रहे हैं ज्योति राठी 5 बजे? ठीक है, तनु गहलोत एक आंसर है, अंशु डागर का एक आंसर है, ज्योति राठी का एक आंसर है, एकदम सही है, बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर आया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे क्या होगा? 7 बजे लाइव क्लास रहती है, 7 बजे, जी बिल्कुल ए आंसर है। अब आप सब चेक करिए कि अगर मान लीजिए ऐसी आपकी इमेज बन रही है पेपर को खोलने पर, और अगर पेपर को बंद किया जाता है तो वो कैसे बनेगा? आप सबके सामने 4 ऑप्शन गिवन है प्यारे बच्चों, चारों में क्या दे रखा है, 1/4 पार्ट दे रखा होगा। तो इस डायग्राम को आप 1/4 पार्ट में ही डिवाइड कर दो, ठीक है, इस डायग्राम को आप 1/4 पार्ट में ही डिवाइड कर दो, और फिर देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है। तो आप सब देख रहे होंगे कि जो आपका 1/4 पार्ट है, मेरे ख्याल से आपका ये वाला है वो 1/4 पार्ट, जो अभी हमने यहाँ येलो कलर में फिल किया है, यही है आपका वो 1/4 पार्ट। तो इसको कौन फॉलो कर रहा है? केवल और केवल आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही फॉलो कर रहा है। तो सेकेंड का भी आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल फर्स्ट ही आपका आंसर होगा, एकदम सही है आप सबका आंसर, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग हंसिका वर्मा, गुड इवनिंग डियर। थर्ड वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बताइए थर्ड क्वेश्चन में आप सबका क्या आंसर होगा? बस सिंपल सा यही काम करना है आपको, इसे बंद कर देना है, फोल्ड कर देना है, उसके बाद आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन तो उसने पहले ही सिंपल कर रखा है कि सर इसका जो 1/4 पार्ट है वो ये वाला है, कि इस पूरे को जब हम फिल करेंगे तो वो ऐसे पार्ट नजर आएगा, है ना, वो पार्ट जो है ऐसे नजर आएगा। ठीक है, इतना अपना क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आप सबका क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? सेकंड ऑप्शन जो है वो आप सबका राइट है,
कि सर ये तो आसान चीजें चल रही हैं, तो आसानी है प्यारे बच्चे, रीजनिंग ही तो है। रीजनिंग में कुछ मुश्किल तो होता नहीं। ज्योति राठी, तनु गहलोत, अंशु डागर, ज्योति राठी, तनु गहलोत, पंकज बादशाह, सबका आंसर एकदम परफेक्ट है, एकदम सही आंसर आया। मीनाक्षी देवास, ज्योति राठी, सलोनी वशिष्ठ, राधे 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 सलोनी जी, राधे राधे। अंशु डागर का आंसर सही है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या करना है आपको केवल प्यारे बच्चों, क्या करना है, 1/4 पार्ट देखना है। हमें क्या देखना है, केवल और केवल 1/4 पार्ट आपको देखना है, इतना काम आपको करना होगा। अब 1/4 पार्ट जब आप देखोगे तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे हुए हैं। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो गलत हो रहा है, और यहाँ पे एकदम से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। और ये थर्ड कहाँ बन रहा है, ये थर्ड बन रहा है आपका यहाँ पे। वो सिंपल सा एक ही काम कर रहा है, एक कागज को वो कितनी बार मोड़ रहा है, एक कागज को वो 2 बार मोड़ रहा है, एक कागज को वो 2 बार मोड़ रहा है। कि दो बार कैसे मोड़ रहा है, कि सिंपल काम उसने क्या किया होगा, एक बार ही तो उसने ऐसे मोड़ा होगा, तो हाफ मुड़ गया। उसके बाद में उसने लास्ट ऊपर की तरफ मोड़ा होगा ऐसे, जो साइड में मोड़ा है। फिर आपका अपर जो पार्ट है, जो मैंने अभी येलो कलर में फिल किया है, ये आपका बन जाता है। तो फोर्थ का आप सबका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। राम राम मंजीत भाई, राम राम। शिवानी शर्मा, गुड इवनिंग डियर, वेलकम बैक। बहुत अच्छे। तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में आप सबका क्या आंसर होगा, 5वें क्वेश्चन में आप सबका क्या आंसर होगा। बड़े ध्यान से सोल्व करना है आप सबको। यहाँ पे 0 हर एक जगह लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये मैटर करता है कि ये वाली जो 0 है वो कहाँ पे रहेगी, यानी कि इस डायग्राम को उसने कैसे मोड़ा होगा। उस चीज को समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो उसने हाफ में मोड़ा होगा, उसके बाद उसने क्या किया होगा, इसने और हाफ मोड़ा होगा, इतना काम उसने किया, ठीक है। कि ये पार्ट यहाँ पे तो आएगा नहीं, इतना रहेगा, इतना पार्ट उसने मोड़ा। उसके बाद प्यारे बच्चों उसने और भी फोल्ड किया है, उसने यहां तक फोल्ड किया है, ठीक है। वो कैसे पता चल रहा है, हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि सर उसने सबसे पहले तो ऐसे फिलअप ऐसे मोड़ा होगा, उसके बाद में उसने इसको ऐसे फोल्ड किया होगा, दूसरे पोजिशन पे ये है, और थर्ड पोजिशन पे उसने यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कागज को मोड़ दिया है। बस आप सबको प्यारे बच्चों यही ध्यान रखना है, ये जो 0 है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन क्या क्या कहता है आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन तो कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें तो कोई गलती नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इस पूरे कागज को इसने इस साइड में मोड़ा है, पूरे कागज को जो है, पूरे पेपर को जो है, उसने इस वाले पार्ट पे मोड़ा होगा, ये वाला आपका आंसर रहेगा। फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा होगा वो, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन तो किसी हालत में बन नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन तो होता है प्यारे बच्चों आप सबका गलत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन तो आपका किसी हालत में बन नहीं रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। अब हमें हर एक ऑप्शन को बिल्कुल बारीकी से जानना होगा। क्यों जानना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, सेकेंड भी सही हो रहा है, फोर्थ भी सही हो रहा है, और फर्स्ट भी सही हो रहा है। तो अब हमें चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों गैप के अकॉर्डिंग। तो गैप के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप समझना उस चीज को जो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 में है, यहाँ पे आप सबका जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें गैप बहुत कम है, यहाँ साइड में गैप जो है बहुत कम है फर्स्ट ऑप्शन में, और जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इसके भी साइड में गैप बहुत कम है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, उसमें गैप जो है वो बढ़िया है, इसमें गैप आपका ज्यादा दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 के तरीके से गैप चले तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन में है, यहाँ पे गैप दे रखा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है और जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये बिल्कुल दीवार के अटैच हो रहा है, बिल्कुल दीवार से मिल रहे हैं सर्कल, और यहाँ पे कोई भी दीवार से मिल नहीं रहा है। इस वजह से आप सबका आंसर क्या होगा, 5th का 4 आंसर होगा। तो इसका केवल यही आपका आंसर है कि अंतर कहाँ पे हो रहा है, कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो है इस कागज के नजदीक नहीं है, बिल्कुल अटैच नहीं है, बिल्कुल इससे मिला हुआ नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें गैप है, इसमें क्या है, गैप है। और आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड है, ऑप्शन नंबर जो ये सेकंड है, और जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, इन दोनों में गैप नहीं दे रखा है, ये अटैच दे रखे हैं। और गैप किसमें दे रखा है, गैप केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो आप सबका 5 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4। गुड इवनिंग भाई उम्मीद,
अमित कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हिमानी वत्स गुड इवनिंग डियर, राम राम, नमस्कार। चलिए बताइए, आप सबका 6th नंबर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल क्या है वो तो सेम है, ऑप्शन जो है वो सेम है। अब ये जानना है आपको कि ये जो जीरो लिखा गया है, ये जो आपका कट लगाया गया है, ये आपका किसके अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि ये जो कट लगा रखा है वो इन ऑप्शन में से कहाँ होगा। केवल आपको गैप के अकॉर्डिंग चलना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है। तो करिए प्यारे बच्चों सोल्व, बताइए आप सबका क्या आंसर होगा। बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा इन क्वेश्चन को, बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। बताइए भाई क्या आंसर होगा। ठीक है, तनु गहलोत का आंसर आ रहा है सी, आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चे, चेक कर लेते हैं। देखिए अब इसने फिलअप कैसे किया होगा, मोड़ा कैसे है इसने, इसने हाफ पार्ट ऐसे मोड़ दिया है, उसके बाद में इसने कागज को यहाँ पे ऐसे मोड़ा होगा, फिर लास्ट फाइनल उसने क्या किया होगा, एक बारी फिर जरूर मोड़ा होगा, कि यहाँ का जो पार्ट है ये जरूर मोड़ा होगा। क्यों मोड़ा है, क्योंकि क्या, क्यों फोल्ड किया है, क्योंकि आपके ऑप्शन चार हैं, इन सब में आपको केवल एक सिंगल कट नजर आ रहा है, और आप सबको सिंगल कट नजर आ रहा है, तो वो आपसे कहना चाहता है कि यहां तक ही आपको आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको ये कहता है कि बिल्कुल इसके अटैच होके चलना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम साथ में चलना पड़ेगा, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो प्यारे बच्चों आपका ये बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो गैप वाला पार्ट है वो इस तरीके से गिवन है, ठीक है, इसमें गैप है और इसमें आपका गैप जो है वो कम है, इसमें गैप जो है आपका कम है। सेकंड ऑप्शन आपसे ये कहता है कि ये तो कॉर्नर पे होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, कि इन पार्ट को जितने भी आपके ऑप्शन है, अगर आप हर एक ऑप्शन को ओपन करते हो, खोलते हो, तो कैसे आंसर आपके बनेंगे, कि फर्स्ट ऑप्शन को आप ओपन करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन ओपन करने पर प्यारे बच्चों वो ऐसे बनेगा, और ऐसा आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है। सेकंड ऑप्शन को जब आप ओपन करते हो तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपको ऐसे नजर आएगा, तो बड़े ध्यान से आपको चेक करना है। थर्ड ऑप्शन आपको कहता है कि थर्ड ऑप्शन अगर आपका बनता है तो थर्ड बनेगा आपका ये, बस सर्कल को जान लेना है कि ये सेंटर में बन रहा है या फिर साइड में बन रहा है। अब ये वाला पार्ट आपको कहता है कि बिल्कुल नजदीक नजदीक होने चाहिए, तो बड़े ध्यान से समझना कि अगर आपका पेपर है इस तरीके से, ये आपका पेपर है, सेकंड ऑप्शन आपको कहता है कि बिल्कुल कॉर्नर में होना चाहिए, तो बिल्कुल कॉर्नर में तो है नहीं आपका ये पार्ट, ये बिल्कुल कॉर्नर में तो है नहीं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पे, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको कहता है कि नीचे वाले कॉर्नर पे है, तो नीचे वाले कॉर्नर पे नहीं है प्यारे बच्चों। अब आते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको कहता है कि ये वाला जो पार्ट आपका बन रहा है ये कहीं ना कहीं ऐसे बन रहा है यहाँ पे, लेकिन जो आपका ऑप्शन बन रहा है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, एकदम मिड में तो है नहीं है, एकदम यहाँ बीच में तो है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा साइड में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्शन फॉलो हो रहा है वो केवल थर्ड ऑप्शन ही फॉलो हो रहा है। वैसे तो ये थोड़ी सी साइड में होगा पर सी में बीच में है, हाँ जी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा साइड में होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। हंसिका वर्मा ने सैनिटाइज कर दिया और सी आंसर बता दिया, बहुत अच्छे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हर एक ऑप्शन में यहाँ फोल्ड करके उसने बताया हुआ है, उसने बोला है कि अगर फर्स्ट ऑप्शन को ऐसे फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, तो सिंपल सा एक ही काम करना है, जितना फोल्ड हो रखा है उतना ही खोलते चले जाओ। ऑप्शन नंबर फोर को अगर हम ओपन करेंगे तो आपका डायग्राम ये बनेगा, ऑप्शन थर्ड को फॉलो करोगे तो आप सबका डायग्राम ये बनता जाएगा, जीरो दूर है तो दूर ही रहेगी, यहाँ जीरो नजदीक है तो नजदीक रहेगी, सेकंड ऑप्शन को ओपन करोगे तो ये बनेगा, कि सर सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट एकदम से नजर आ रहा है, इतनी मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन बनेगी, यही फॉर्मेशन आपको ऊपर की तरफ फिलअप कर देनी है, जो जीरो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। हाँ जी सबका आंसर एकदम सही आया, अमित कुमार, अंशिका वर्मा, हिमानी वत्स, अंशु डागर, भावना, मीनाक्षी, तनु, मंजीत, अंशिका वर्मा, बहुत अच्छे बच्चे, लाजवाब आंसर आया आप सबका। ऑप्शन नंबर डी को आप सब चेक करिए कि अगर मान लीजिए ये दो पेपर हैं, दोनों पे कट लगे हुए हैं और दोनों को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, कि यहाँ पे इस तरीके से इस तरफ फोल्ड किया जा रहा है, आपकी मर्जी कहीं फोल्ड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन इसे फोल्ड करके ही आपको आंसर गिवन करना है कि देखो ऑप्शन नंबर सेकंड की गलती क्या है, इसने ट्रायंगल को नीचे की तरफ मोड़ दिया है, तो ये आपका हो गया है गलत। सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका इस वजह से गलत हो रहा है। अब जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, ये दोनों सेम है। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड जो है, ये दोनों ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, सेम है, इनमें कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। और फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ ये है कि ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ अटैच हो रहा है, बिल्कुल यहाँ मिल रहा है, तो इस चीज को जान लेंगे जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये जो जीरो लिखी हुई है इसके बिल्कुल सेंटर में ही जीरो बनेगी। अब यहाँ आप देखना कि ये जो पॉइंट है आपका, अगर इसके सिधाई में जाते हैं तो वो यहाँ पे आएगा, और अगर इसकी सिधाई में जाते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे, कि बिल्कुल अटैच तो होगा नहीं लेकिन इसके ठीक बीचों बीच ही आपका ट्राइंगल बनेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर बनेगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, दोनों ही आपके आंसर होंगे क्योंकि ऑप्शन दोनों ही एक जैसे हैं तो दोनों ही होंगे। तो किसी एक को ही आपको टिक करना होगा, या तो फर्स्ट सही होगा या फिर आपका थर्ड सही होगा, कि आइदर आपका फर्स्ट सही होगा या फिर आपका थर्ड सही होगा, ठीक है। बस ये जो एरर है ये आपकी टाइपिंग की एरर है और कुछ नहीं है, ऐसे ऑप्शन आते नहीं है एग्जाम में। मेरे ख्याल से आप सबको अच्छे से समझ आया होगा कि हाँ सर सही है, चलो बहुत अच्छे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में आप सबका क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों, आप सबका आंसर जो है 9th क्वेश्चन में आप सबका क्या आंसर है उसकी कोशिश करिए, इसमें आपका क्या आंसर होगा फिर वो देखते हैं। इसमें फोल्ड करना है आप सबको, इसको नीचे की तरफ आपको फोल्ड करना है, फिर आप सबको आंसर बताना है कि क्या आंसर आप सबका होगा। फर्स्ट में सर्कल अलग है सर, अच्छा सर्कल अलग था फर्स्ट वाले में, और सर्कल छोटा बड़ा दे रखा होगा। तो देखिए यहाँ पे 9th में क्या कर रहा है, इसको फोल्ड करो, आप बड़े ध्यान से समझना इन बातों को कि जब ये फोल्ड होगा कि ऊपर की तरफ आपका ये ट्रायंगल है और ये एक नीचे की तरफ भी आपका ट्रायंगल गिवन है, अगर जब हम इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है, कि नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ ताकि आप सबको कोई मिस्टेक ना हो, नीचे वाला ट्रायंगल है वो है आपका ब्लैक पार्ट में। अब हमें इन दोनों को क्या करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों को फोल्ड करना है। जब फोल्ड करोगे तो ये वाला आपका फोल्ड होगा ऐसे, जब आप इसे फोल्ड करने जाओगे तो ये आपका फोल्ड कैसे होगा, ये आप सबका फोल्ड होगा इस तरीके से, ऐसे ही फोल्ड होगा। अब यहाँ पे समझ लो कि इसका जो गैप है, यहाँ गैप कितना है उतना ही गैप यहाँ पे है, जब आप इसे फोल्ड करोगे तो वो आपका फोल्ड होगा इस तरीके से, ऐसे जा करके आपका फोल्ड हो जाएगा। ये डायग्राम यहाँ है तो यहीं रहेगा, ऊपर वाला जो बॉक्स है आपका, ऊपर वाला बॉक्स उतर करके वो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन कोई भी फॉलो नहीं करता है, ऑप्शन कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन यहाँ कोई भी सही नहीं है प्यारे बच्चों। 9th वाले में 9th का मैंने डायग्राम आप सबको बता दिया है कि डायग्राम इसका जो बनेगा वो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, कि ब्लैक पार्ट में तो जो लिखा हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे भरा है वो और आपका ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन नजर आना चाहिए था कि इसका ऑप्शन बनेगा क्या, इसका ऑप्शन बनेगा आप सबका ये, इसका ऑप्शन बनेगा आप सबका ये ऑप्शन बनेगा, क्योंकि दोनों बॉक्स जो है अलग अलग होने चाहिए। ये आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन यहाँ पे गिवन है नहीं एग्जैक्ट अगर निकालेंगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं, क्वेश्चन ही गलत है ये तो। पहलवान जी गुरु जी भाई क्या हाल है, ठीक है, हमारी तो क्लास ही नहीं लगाते कोचिंग पर, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया बच्चे, ऐसा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1/4 पार्ट को ही देखना है, डायरेक्ट एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1/4 पार्ट को आप चेक करिए कि कौन से पार्ट को फॉलो कर रहा है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, हमेशा बनेगा ऐसे साइड में ही। अब जो ये सेकंड नंबर पार्ट है ये कहाँ नजर आ रहा है, सेम एज इट इज आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो वो कह रहा है कि इस कागज को कैसे मोड़ा गया है, कागज को मोड़ा गया है आपका पहले इतना मोड़ा गया, उसके बाद में इतना आपका यहाँ पे फिलअप किया गया है, ठीक है, तो आपका 1/4 पार्ट बच गया है प्यारे बच्चों ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सबका, सेकेंड आंसर हो जाएगा, कि सर ये तो सिंपल था, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल सही है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11वें क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन को जानने की कोशिश करो आप सब, क्या आपका आंसर बनेगा। मेरे ख्याल से तो सिंपल है, इसमें ज्यादा देर नहीं लग पाएगी, कि आपका 1/4 पार्ट होना चाहिए ऐसे। और ऐसा ही 1/4 पार्ट कहाँ नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप सबका आंसर हो जाएगा 4। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि सर इसमें भी क्या पता करना है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। एकदम सही आंसर आ रहा है आप सबका, बहुत अच्छे। राहुल राज जुड़े, हिमानी वत्स का आंसर सही है, अंशिका वर्मा, शिवानी शर्मा, अमित कुमार, हिमानी वत्स, भावना, पहलवान जी, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, मजा आ गया। कप्तान सिंह, अमित कुमार, बहुत अच्छे। 12th क्वेश्चन को आप सब चेक करिए, 12th क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अगर 1/4 पार्ट फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ऐसे मुड़ रहा होगा, भाई ऐसे तो नहीं मुड़ रहा है ये। सेकंड में इसने दो डॉट लगाए हुए हैं, कि दो डॉट तो है नहीं, डॉट कितने होने चाहिए? एक, दो, तीन और चार ही डॉट होने चाहिए। इस वाले पार्ट में उसने ऐसे खुले खुले बना रखे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे खुला खुला नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पे फॉलो किसको कर रहा है? केवल यही आपका ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ऐसे फॉलो हो रहा है। किस वाले पार्ट को फॉलो कर रहा है प्यारे बच्चों? इस वाले पार्ट को फॉलो कर रहा है। कि सर सिंपल क्वेश्चन है, 12वें का आंसर जो होगा डी होगा। कप्तान सिंह, पहलवान जी, परू, भावना, अंशु, अमित कुमार, मीनाक्षी, हिमानी, तनु, मीनाक्षी, राहुल राज, पहलवान जी, हंसिका, बहुत अच्छे बच्चे। सबका आंसर एकदम परफेक्ट आया, बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर है आप सबका। सलोनी बच्च, बहुत अच्छे बच्चे। शिवानी शर्मा, आप सबका आंसर एकदम परफेक्ट है, सही है। अमित कुमार, एकदम सही आंसर है। बताइए आपका 13 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? 13वें क्वेश्चन में क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? इसको जानने की आप सब कोशिश करो। कि फर्स्ट ऑप्शन ने बोला है कि ये इसका 1/4 पार्ट बनेगा। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि यहाँ पे तो एक सर्कल है। उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि डायग्राम कैसे मुड़ा गया है, कैसे फोल्ड किया गया है। तो सबसे पहले एक सर्कल था, सर्कल को उसने फर्स्ट पार्ट में मोड़ा है, ऐसे ऐसे फिलअप किया। अब आपके पास केवल और केवल हाफ सर्कल बचा हुआ है। हाफ सर्कल को उसने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। सेकंड पोर्शन आपका ये हो गया, आपके पास 1/4 पार्ट बचा हुआ है। तीसरी स्टेप में क्या किया है प्यारे बच्चों? उन्होंने इसको इस तरीके से मोड़ा, जैसे कि आपको ये डॉटेड पार्ट नजर आ रहा है ना बीच में, जो डैश 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 ऐसे नजर आ रहा है, तो वो आपको ये बता रहे कि पेपर को हमने मोड़ा था। मोड़ने के बाद जैसे ही हम खोलते हैं पेपर को, तो उसमें निशान रह जाते हैं, वो निशान यहाँ नजर आ रहे हैं। तो लास्ट थर्ड फोल्ड कहाँ किया है? उसने यहाँ किया है, और ये आपका एक सर्कल नजर आ रहा है। एक सर्कल से इतने सारे सर्कल बन रहे हैं। जब इसको फोल्ड किया होगा तो वो ऐसे यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड आपका हो रहा होगा। कि सर सिंपल सा है, समझ आ रहा है एकदम, कि इसने फोल्ड किया नहीं है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड में आते हैं, सर इसने फोल्ड नहीं कर रखा है, इसको फोल्ड करना चाहिए था ऐसा। डायरेक्ट इसने 2 जीरो नहीं लगा रखे हैं, डायरेक्ट जो है 2 कट नहीं लगा रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4th पे जाते हैं, कि सर इसने पहले फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद पता नहीं ये हवा हवा में कट लगाया जा रहा है। तो भाई हवा में तो कट लगाना नहीं, कि मैं बोलूं पेपर मेरे पास यहाँ है, यहाँ मैंने कट लगा दिया। भाई पेपर पे ही तो कट लगेगा, पेपर पे कट लगेगा तो यहाँ लगना चाहिए था, जो अभी मैंने फिलहाल रेड कलर में किया है। तो इसको फॉलो कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? केवल और केवल जो आपका ऑप्शन नंबर 2nd है वही फॉलो कर रहा है। इसको जब आप ओपन करोगे तो वो ऐसे ही ओपन होगा। ये केवल अभी फिलहाल हमने 1/4 पार्ट ही आपका ओपन किया है। 1/4 पार्ट ओपन करने के बाद कंप्लीट को अगर आप ओपन करोगे तो आपका इस तरीके से डायग्राम बनते चले जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा। एकदम सही आंसर है। अमन तिवारी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करिए प्यारे बच्चों। नहीं सर, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। ठीक, चलो कोई नहीं। वैसे आप सबका आंसर एकदम सही आ रहे हैं, आसान सा टॉपिक चल रहा है आप सबका। क्वेश्चन नंबर 14 को ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को चेक करिए, इसका आपका क्या आंसर होगा। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाहता है कि इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना होगा। ऊपर की जब तरफ आप फोल्ड करोगे, जो ए लिखा हुआ है, इसकी जो इमेज बनेगी प्यारे बच्चों, वो इमेज बनती है इस तरीके से। डी जो है वो हमेशा सेम होता है, वॉटर इमेज हुआ, यानी कि ओरिजेंटल आपकी इमेज बनती, तो वो रहता है आपका एकदम सेम।
उसके बाद में आपका जो ये पार्ट बन रहा है, ये सर्कल वाला पार्ट है, ये सर्कल वाला पार्ट क्या रहेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस जितना है इस वाले से ज्यादा है, कि ये डिस्टेंस मैं बना रहा हूँ जो बीच में ये लाल कलर से मैंने भर दिया है, ये डिस्टेंस का है सारा का सारा खेल। तो आपका क्या रहेगा, ये वाली लाइनिंग जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसको फॉलो कौन करता है वो देख लो कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले तो ए ऐसे उल्टा होना चाहिए, लेफ्ट साइड में यहाँ डी रखा है फर्स्ट ऑप्शन में तो गलत हो गया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ए है बिल्कुल सही है, यहाँ लेफ्ट साइड में ए तो है थर्ड ऑप्शन में लेकिन सीधा सीधा ए लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो ए है यहाँ पे तो डी लिखा हुआ है तो डी आना नहीं चाहिए, ठीक है, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ आप सबके सामने बी ऑप्शन बचा। पर कौन सा क्वेश्चन बच्चे, पिछले वाला क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या काम करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या काम करना है, इसको ओपन करते जाओ, जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ओपन करोगे तो इतने से सर्कल बनेंगे तो हो गया आपका गलत। ऑप्शन नंबर फोर्थ पे आता हूँ, ऑप्शन नंबर फोर को ओपन करोगे तो अभी तो फिलहाल आप सबके पास पार्ट यही है, इसने कोई कट ही नहीं लगा रखा, फोर्थ ऑप्शन ने कहीं पे कोई कट नहीं लगा रखा, बाहर बाहर कट लगा रखा है तो कोई आंसर बनेगा ही नहीं और सर्कल बनना चाहिए, ये हो गया है गलत। अब ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको कहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका ये है कि सर खुलने पर केवल यही निशान बनेंगे, बाकी जीरो तो बन जाएंगे, जीरो तो आपके बन जाएंगे, जीरो में तो आपको ऐसी कोई डाउट रहेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ये निशान आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये जो निशान अभी यहाँ पे गिवन है वो ऐसा इस थर्ड ऑप्शन में बना नहीं है, अगर ऐसा यहाँ पे बन जाता, एक निशान बन जाता तो ऑप्शन नंबर थर्ड को सही कर देते, इस वजह से थर्ड ऑप्शन गलत है। तो केवल और केवल आप सबका आंसर क्या सही होगा, केवल और केवल आप सबका आंसर है ये सेकेंड वाला, कि जब आप इसे इस तरीके से ओपन करोगे तो ये आपका एक बन रहा है, ऐसी एक आपकी लाइनिंग बन रही है और यही लाइनिंग आपकी यहाँ पे बनेगी और बाकी आपका ये सर्कल का पार्ट तो प्यारे बच्चों बन ही रहा है, ठीक है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो ही गया है, क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करते हैं, बताइए आप सबका 15 नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। पहलवान जी मान जाओ, मंजीत का बर्थडे स्टार्ट हो गया, पहलवान जी का बर्थडे स्टार्ट हो गया, आंसर पे क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो प्यारे बच्चों। देखो इसमें क्या करना है, आंसर क्या है, इस साइड में है यानी कि आपको लीफ को मोड़ना है यहाँ पे, यानी एक पत्ती बन रही है, सब ऐसा दिखा रहे हैं, पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, चेक करते हैं, बस आपको ये देखना है कि इसकी मिरर इमेज बना दो, पूरे के अंदर काम ही यही करना है, मिरर इमेज बनानी है, ये जो बन रही है डॉटेड, ये आपका जो है इस तरीके से बनेगा, सबसे पहले तो बन रहा है ये। अब इस चीज को समझना है कि ये कैसे चल रहा है, ये मिरर के पैरेलल चल रही है, ये लाइन क्या चल रही है, मिरर की सिधाई में चल रही है, बीच में मिरर समझो, ये बीच में मिरर है, मिरर की सिधाई में चल रही है, तो यहाँ पे भी सिधाई में ही चलेंगे, यहाँ पे भी ये वाला जो लाइनिंग है आपकी प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये लाइन भी आपकी सीधी ही रहेगी, टेढ़ी नहीं रहेगी। तो अब आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, कि सर फर्स्ट ने तो अजीब नशा कर रखा है, उसके बाद सेकंड पे आते हैं तो सेकंड तो सर बनेगा ही नहीं, उसने क्वेश्चन को ही गलत कर दिया कि इसने ये लाइनिंग गलत मोड़ रखी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका गलत हो रहा है प्यारे बच्चों, थर्ड ने भी बिल्कुल गलत कर दिया, तो केवल और केवल आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आपका सही होगा, कि एकदम सही आंसर क्या है आप सबका, फोर आंसर है, बहुत अच्छे। देखो अंशिका ने चॉकलेट भी बांट दी और बता दिया कि मेरा आंसर फोर है, बहुत अच्छे बच्चे। अंशु डागर, कप्तान सिंह, संजू कौशिक, तनु गहलोत, हिमानी, अमित कुमार, परु, हंसिका वर्मा, पहलवान जी, राहुल राज, अमन तिवारी, हिमानी वत्स, अंशु डागर, बहुत अच्छे बच्चे, आप सबका आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। बस आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम नज़दीक है आप सबके, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अब इसको फोल्ड करके बताना है प्यारे बच्चों, अब हमें इसको फोल्ड करके बताना है, तो इसको आप फोल्ड करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। राहुल राज का आंसर क्या आ रहा है कि सर मेरा आंसर है सेकंड, ठीक है बच्चे, चेक कर लेते हैं आपका आंसर जो सेकंड है वो सही होगा या फिर गलत होगा। तो देखो बड़े ध्यान से चेक करो कि अगर मान लीजिए मैं हर एक का पार्ट डिवाइड कर देता हूं, कि यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो ये कहता है
कि अगर हमें ये अपर पार्ट ये नजर आ रहा है तो इसका मतलब है उसने ये वाला पार्ट लिया हुआ है। तो इसका जो अपोजिट होगा तो ये हमें दिखना नहीं चाहिए, ये पार्ट हमें नहीं दिखना चाहिए। और इस दीवार के साथ में जो अटैच है, इसके साथ में जो अटैच है, जुड़ा हुआ है, ये हमारा जो फिलअप पार्ट है ये हमें नजर आ रहा है। सर इसके साथ जो फिलअप पार्ट है वो आपको ये नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, किस वजह से हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में ये खाली पार्ट है, इस वजह से है प्यारे बच्चों। इसके लेफ्ट साइड में आपका ये पार्ट है और इसके राइट साइड में आपका ये खाली वाला पार्ट है, ऐसा ही ऑप्शन फर्स्ट ने गिवन है। आपका राइट साइड में खाली पार्ट है, लेफ्ट साइड में आपका क्या है, भरा हुआ पार्ट है। तो जो फर्स्ट वाला है वो तो करता है आपका फॉलो। इसमें किस किस को डाउट है कि सर फर्स्ट वाला जो है वो कैसे यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसको प्यारे बच्चों बैक साइड में ही मोड़ा जा रहा है, उस तरीके से ये फोल्ड कर रहा है, इसको ऐसे पीछे की तरफ मोड़ा जा रहा है, ना कि आगे की तरफ मोड़ा जा रहा है। आज मैंने आप सबको डाइस पढ़ाया था, तो डाइस में भी मैं बता रहा था कि ऑफलाइन जो क्लास चल रही थी, ऑफलाइन की बातें कर रहा हूँ, डाइस में भी मैंने आप सबको ऐसे ही बताया था कि जो आपकी ओपन डाइस होती है, ओपन डाइस जो होती है उसको कभी भी सामने की तरफ यानी कि फ्रंट साइड में कभी भी फोल्ड नहीं किया जाता है, सामने की साइड में नहीं फोल्ड किया जाता है, हमेशा बैक साइड में फोल्ड किया जाता है, पीछे की तरफ फोल्ड किया जाता है। तो ये जो डायग्राम है आपका, तो इसको अगर हम अच्छे से समझेंगे तो एक एक हमें यहाँ पे नजर आना चाहिए कि ब्लैक पार्ट है, ये रंगा हुआ पार्ट है, ये भी रंगा हुआ पार्ट है, ये भी है। तो इसको प्यारे बच्चों हमें पीछे की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा, आगे की तरफ फोल्ड करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट आपका कहाँ पे था। उसी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आया होगा। अच्छा मेरा भी है, ज्योतिराठी बताएंगे एनवीएस का ICR NVS और कॉलेज एग्जाम। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं आप सबके। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो डाउट नहीं है, अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। हर एक ऑप्शन को मैं यहाँ क्लियर करा देता हूँ आप सबके लिए। देखो सेकंड ऑप्शन में क्या किया है प्यारे बच्चों, इसने ये काम किया है कि नीचे की तरफ है आपका फिलअप पार्ट, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ है आपका फिलअप पार्ट, और इसमें फिलअप पार्ट है आपका यहाँ ऊपर, ये जो फिलअप पार्ट है आपका ये कहाँ पे है प्यारे बच्चों, ये आपका ऊपर की तरफ है। इसके साथ में आपकी कौन सी दीवार अटैच होगी, अब इसके साथ में दीवार अटैच होनी चाहिए फिर आपकी ये, क्योंकि जब आप इसे फोल्ड करोगे बंद करोगे तो जो भरा हुआ पार्ट है उसके साथ तो यही दीवार आएगी। ठीक है, ये जो भरा हुआ पार्ट है इसके साथ तो आपकी यही दीवार आएगी। ठीक है सर, भरा हुआ इसके साथ में खाली पार्ट हमारा नजर आना चाहिए, खाली पार्ट आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे लेफ्ट पार्ट आपका ये है और राइट पार्ट आपका ये है कि सर यहाँ लेफ्ट भी बन रहा है राइट भी बन रहा है, आंसर तो सर सारे ही बनते जा रहे हैं। अब थर्ड को और चेक लो कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखना चाहिए इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी नहीं हुई है, या तो एग्जामिनर ने लैंग्वेज कुछ लिखी होगी, वो यहाँ पे है नहीं। इट्स सिंगर गर्ल पीहू, अरे पीहू डेली बदल लेते हो आईडी को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपको क्या कहता है, थर्ड ये कहता है कि सर यहाँ पे खाली पार्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, खाली पार्ट आपका यहाँ पे ये नजर आ रहा है, इसके साथ में ये भरा हुआ पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये भरा हुआ पार्ट है, लेफ्ट साइड में भरा होना चाहिए, ये भी भरा हुआ, लेकिन राइट साइड में आपका फिलअप पार्ट नहीं है प्यारे बच्चों, राइट साइड में आपका ये वाला जो पार्ट है ये भरा हुआ नहीं है, वहां पे क्या है, ये खाली पार्ट है आप सबका। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो तो होगा नहीं। ठीक है, वो इस डाइस को फॉलो नहीं कर पाएगा, यानी कि इस बुक्स को फॉलो नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से। अब आपको चलना पड़ेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ पे, सोल्व करने का केवल तरीका यही है, दूसरा तरीका नहीं है प्यारे बच्चों। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि यहाँ पे अब क्या है, ये आपका भरा हुआ पार्ट है, भरा हुआ पार्ट क्या कहाँ पे आपका ये है, फिलअप पार्ट आपका ये है, इसके साथ जो दीवार अटैच होगी आपकी, इसके साथ जो दीवार अटैच है वो आपकी ये दीवार अटैच होगी जब आप इसे बंद करोगे। अब आप घर पे ऐसे ही करना, ये डायग्राम ऐसे कैसा डिटो ऐसा बनाना एक पेज पे और फिर से मोड़ के देखना, फिर आपको ये चारों एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये दीवार यहाँ मिलेगी ऐसे मिलेगी, तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व होते चले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको ये कहता है कि इसके साथ आपकी ये भरा हुआ पार्ट होना चाहिए लेकिन फिलअप पार्ट है ही नहीं है, तो फिर आपका जो ऑप्शन नंबर फोर है प्यारे बच्चों ये आपका गलत हो गया है। तो केवल और केवल आपके आंसर दो ही बचे हैं, एक आंसर आपका फर्स्ट बचा हुआ है और एक आपका आंसर जो है सेकेंड बचा हुआ है, और दोनों को ही हमने डिफाइन करने की कोशिश की है, तो दोनों ही आपके यहाँ पे सही बनते हैं।
ठीक है। तो 16 का जो फर्स्ट है एग्जांपल, जो सेकंड है, ये दोनों आपके सही है। तो ऐसा ही पेपर कट करना, इसे फोल्ड करना और फिर इसे समझने की आप कोशिश करना, लेकिन याद रखना कि इसे आप फ्रंट में मत मोड़ लेना, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कलर क्या है। इसे हमेशा बैक साइड में मोड़ो, पीछे की साइड में ही आपको मोड़ना है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको क्लियर करा दिया चारों के चारों ऑप्शन। इट्स सिंगर गर्ल पीहू, सर ये मेरा चैनल है। अच्छा ये चैनल है पीहू आपका, तो मैसेज कर देना एक बारी मेरे किसी वीडियो पे, फिर मैं देख लेता क्योंकि लाइव में तो फिर पता नहीं कर पाएंगे। ये आ गया है आपका डाइस, तो डाइस आपको नजर आ ही रहा है, आज मैंने डाइस पढ़ाया ही था। तो इसमें क्या करना है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू का अपोजिट है आपका वन। ठीक है, कि अपोजिट जो है ना तो एक साथ दिखने चाहिए और ना ही एक साथ छुपने चाहिए, इतना बस आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हर एक को क्लियर कर लेंगे। अब अपोजिट जो है ये डार्क वाला है, इसके साथ क्या रहेगा, थ्री रहेगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट के साथ क्या रहेगा, थ्री आपका रहेगा। ये जो वन है यहाँ पे टेढ़ा वन होना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, ये वाला ये नीचे की तरफ ये निशान लगा हुआ है, तो ये आपका वन। जीरो के साथ आपका क्या बनेगा, सिर्फ ये वन बनेगा। तो आप चेक कर लीजिए कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, फर्स्ट वाले में क्या गलती है वो आपको चेक करना है, बस इतना सा आपको सोल्व करना पड़ेगा। कि सर यहाँ पे जो ये थ्री लिखा है, थ्री का अपोजिट डार्क है वो है नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो ये जीरो है इसके साथ वन है वो भी नहीं है। जो डब्ल्यू है डब्ल्यू का अपोजिट भी यहाँ गिवन नहीं है, तो सर फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन में कहीं गलती है, तो सर गलती वो ये है, सेकेंड ऑप्शन की गलती ये है कि थ्री और ये जो डार्क हमने सर्कल लगा रखा है ये दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है और अपोजिट दीवार को एक साथ नहीं देखा जाता है। अब थर्ड ऑप्शन में ये गलती है कि यहाँ पे थ्री और ये डार्क शेड, थ्री और ये डार्क शेड इनमें से एक भी नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसी डाइस हम बना नहीं सकते हैं। ये इस वजह से गलत है, ये इस वजह से गलत है। बाकी आप ऐसे ही सोल्व करते हो कि डब्ल्यू के साथ ये वन लिख रखा है तो अपोजिट है। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ आपका क्यों गलत है या फिर सही है वो हम चेक कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ फोर्थ को आप चेक करोगे तो फोर्थ में कोई गलती नहीं है, फोर्थ जो है आपका सही बन रहा है। लेकिन सर इसमें से आंसर तो आपको एक ही सही लगाना पड़ेगा, तो यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से है। कि सर यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों आप यहाँ से चलते हो, इस वाली जीरो से स्टार्ट करते हो, थ्री पे चलते हो और आप फोर पे चलते हो। ठीक है, ऐसे आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, ऐसे आप इसे घुमा रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही नजर आना चाहिए कि जीरो है, जीरो के बाद थ्री होना चाहिए, फिर आपका क्या होना चाहिए, डब्ल्यू। यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है। अब आते हैं क्वेश्चन वाले इस पे कि सर हम जब इसको फिलअप करेंगे, इसको मोड़ेंगे, कि जब इसे घुमा करके आप देखोगे तो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आपको नजर आएगा। ये आपका फिलअप पार्ट है, फिलअप पार्ट के बाद आपका क्या आता है, डब्ल्यू आता है। डब्ल्यू के बाद अगर हम चीजें देखते हैं तो ये पार्ट यहाँ मिल रहा है, ये पार्ट यहाँ मिल रहा है और ये वाला पार्ट आपका यहाँ मिलेगा। और इस तरीके से फॉलो करोगे तो ये भी सही है, तो इसमें आंसर आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों ही सही होंगे। 17th में आंसर होगा आपका फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही सही होंगे, ये भी रॉन्ग हो गया। अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन था, सेकंड और थर्ड तो गलत हो गए थे। अब आप चेक करिए कि सर डाइस टॉपिक चल गया कि, ये डाइस टॉपिक नहीं है प्यारे बच्चों। आप अपनी बुक में देखोगे तो बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और फिर आपको इन सबको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। तो बताइए 18th नंबर क्वेश्चन जो है, 18वां क्वेश्चन आपका कैसे सोल्व होना है। ठीक है, 18th क्वेश्चन के बारे में देखिए कैसे सोल्व होगा। कि सर यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि ये जो खाली पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे ए लिखा गया है, तो इस ए लिखेंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिर ए नहीं लिख सकते। ठीक है, बस ऐसे समझना पड़ेगा कि ये ऊपर जो खाली पार्ट है इसका अपोजिट क्या है, आपका खाली पार्ट है। इस वाले के जो अपोजिट है, इस वाले के अपोजिट आपका ये वाला पार्ट है, ये अपोजिट है, इसका अपोजिट क्या है आपका ये, और ये वाले के अपोजिट क्या है आपका ये। तो प्यारे बच्चों चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन आपको ये कहता है कि यहाँ तीनों ही आपके भरे हुए पार्ट हैं, तीनों ही आपके क्या है, भरे हुए पार्ट है, फिलअप पार्ट है। अपोजिट क्या है आपका, तीनों ही भरे हुए, यानी कि कोई ना कोई एक तो अपोजिट आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बन नहीं सकता। सेकेंड पे चलते हैं,
इसने क्या किया है, यहाँ पे दो आपके फिलअप पार्ट है, एक आपका खाली पार्ट है। तो सर दो भरे हुए हैं, एक यहाँ पे खाली पार्ट है, तो कैसे वो बना सकता है क्वेश्चन को? तो वह ऐसे बना सकता है प्यारे बच्चों कि उसने ये लिया होगा और उसने ये ले लिया होगा, और ये तीनों आपस में अपोजिट नहीं है, तीनों में से एक भी विपरीत नहीं है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी बन सकता है। साथ में अगर हम चलते हैं तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी बन सकता है, सेकेंड भी सही है और आपका थर्ड भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको लाइनिंग नजर आ रही है और लाइनिंग इस पूरे में कहीं पे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर में लाइनिंग जो है वो कहीं पे भी नहीं है। कि सर ऐसे ऐसे क्या क्या ऑप्शन बनाए जा रहे हो, दो 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 सही बन रहे हैं, तो वो वाले ऑप्शन मैंने यहाँ रखे नहीं हुए हैं। लेकिन वैसे आप सबका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि सेकंड भी सही है प्यारे बच्चों, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका सही है। चाहे आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, सेकंड और जो थर्ड है ये दोनों आपके बनेंगे, ये दोनों आपके फॉलो करेंगे 18th वाले में। तो एक एक को आपको चेक करना था। बिल्कुल सी भी ठीक है, हाँ जी सी भी ठीक है हंसिका वर्मा, बिल्कुल सही है मानी वत्स, एकदम सही आंसर है आपका। अब चेक करिए क्वेश्चन नंबर 19 को, ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं प्यारे बच्चों, हर एक को चेक करिए, डाइस की फॉर्मेशन जैसा बन रहा है उसको आप सब चेक करो कि जो ये डॉटेड पार्ट है, ये जो डार्क वाला है, इसके साथ है आपका खाली वाला पार्ट, ठीक है, इसके साथ ये आपका अपोजिट है। यहाँ जो ब्लू शेड में है, ब्लू शेड के साथ में है ये जो ब्लू वाला है, इसके साथ आपका ब्लैक पार्ट है जो फिलअप है। अब जो अलग से बच गया है ये है आपका ब्लैक का अपोजिट, क्या है आपका ये ब्लू पार्ट है, कि ब्लैक के साथ आपका क्या आएगा, ब्लू पार्ट आएगा प्यारे बच्चों। फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, सर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? तो प्यारे बच्चों जब इसको आप फोल्ड करोगे, इसको जब आप पूरा कंप्लीट फोल्ड करोगे और किसी एक साइड से आप देखोगे, तो यहाँ पे आपसे ये कहना चाह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि एक साइड तो हमें ब्लू पार्ट नजर आएगा और इसके अपर पार्ट पे हमें क्या नजर आएगा, बिल्कुल जो अटैच होना चाहिए, इसके साथ मिला हुआ पार्ट होना चाहिए, वो क्या है, ब्लैक पार्ट है। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे, आपका एक तो ये वाली साइड है, इसको आप मिलाओगे और आप इसको मिलाओगे, तो यहां से भी आपका आंसर बन जाएगा। इसको जब आप मिलाते हो और इसको मिलाते हो तब भी आपका आंसर बन जाएगा। कि सर आंसर तो हमारा यहाँ से भी बन जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन को चेक करो कि सेकंड ऑप्शन कैसे हो रहा है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से क्या आंसर आपका रहेगा। तो सेकंड में क्या है कि पहले डॉट था, डॉट के साथ ये था, फिर ये ब्लू है, ब्लू के साथ क्या था आपका, ब्लैक था, फिर क्या है ब्लू के साथ क्या था आपका, ब्लैक पार्ट था, ठीक है, ये ब्लू है तो यहाँ ब्लैक है, ये फिर दोबारा से ब्लू है तो यहाँ ब्लैक है। तो ब्लू और ब्लैक कहीं एक साथ नहीं आने चाहिए, वो तो है नहीं एक साथ, ठीक है। कि सर यहाँ ब्लैक ब्लैक और खाली, ये जो ऑप्शन नंबर डी अगर आपको दिखाई दे रहा हो एकदम ध्यान से, तो वो तो एकदम सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा कि गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है प्यारे बच्चों, ये दोनों साइड आपस में अपोजिट है, एक जो डॉट पार्ट लगाया हुआ है, एक जो आपका खाली पार्ट है, ये दोनों अपोजिट है, वो बन नहीं सकता है। अब अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ डॉट पार्ट है और आपका खाली पार्ट है, ये आपका बन नहीं सकता है, ये भी आपका नहीं बनेगा। रही बात आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, कि अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐसा होगा कि उसको बस इसी तरीके से देख रहा है, तो हम ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि डाइस जो है वो हमेशा कॉर्नर के अकॉर्डिंग ही बनती है, तो ऑप्शन भी उसे कॉर्नर वाला ही बनाना चाहिए था, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन बनाना चाहिए था। टू साइड वाला क्वेश्चन अगर वो बना रहा है तो वो डाइस को फॉलो नहीं कर रहा है, वो डाइस को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो गलत हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो फोर्थ है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आप सबका आंसर क्या करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, फोर्थ आंसर ही आप सबका करेक्ट आंसर होगा। तो आप चेक करिए क्वेश्चन नंबर 20 को कि 20वां जो क्वेश्चन है आप सबका, उसमें आपका क्या आंसर बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसको चेक करिए। भाई जीरो लेवल से रीजनिंग स्टार्ट कर रही है, तो मेरे चैनल पे पढ़ लो एकदम जीरो लेवल से ही करा रखी है।
क्या हो गया पहलवान जी, क्या शक हो गया? देखो अब यहाँ क्या करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को जब आप ओपन करना स्टार्ट करोगे तो वो कैसे बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट को ओपन करोगे तो ऐसे बन रहा है, पर ऐसी फॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में देनी रखी है तो गलत हो गया है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि सेकंड ऐसे बनेगा, तो जब आप इसको ओपन करते जाओगे प्यारे बच्चों तो आपके सर्कल ऐसे ही बनेंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन में बन रहा है और ऐसा ही सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कहता है कि सर ऐसे खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बस आपको 1/4 पार्ट देख लेना है, 1/4 पार्ट कोई भी ये फॉलो कर रहा है वो ये वाला पार्ट फॉलो कर रहा है, तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, इसको चेक करके बताइए आप सबका क्या आंसर बनेगा, एकदम बड़े ध्यान से आपको चेक करना पड़ेगा इसको, बस गैप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि कितना गैप है यहाँ पे, गैप के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रायंगल छोटा है कौन सा बड़ा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। कि मैं हेल्प मैं करा देता हूँ, ये वाला तो है आपका बड़ा ट्रायंगल और ये है आपका छोटा ट्रायंगल, तो आप सब चेक करने की कोशिश करो, बताओ क्या आंसर आपका बनेगा। हर्ष करब, वालेकुम सलाम, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भाई हर्ष करब, नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या आंसर होगा, 21वें का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, उसको चेक करिए आप सब। तो देखो जब आप इसे फोल्ड करोगे, जब इसे आप मिलाओगे नीचे की तरफ, जब ये ऑप्शन आएगा तो वो किस तरीके से बनेगा उसको चेक करना है, कि ये गैप सेम है और ये गैप भी आपका सेम है, ये जो दोनों गैप हैं आपके, ये दोनों गैप क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। जब दोनों गैप सेम होंगे तो छोटा ट्राइंगल कैसे बनेगा, बिल्कुल इसी पॉइंट से बनेगा और इस तरीके की फॉर्मेशन बनेगी, और ये फॉर्मेशन किस में बन रही है, ऑप्शन नंबर 4 में बन रही है। ऑप्शन नंबर 3 होता तो कैसे सोल्व होता, ऑप्शन नंबर 3 होता कि यहाँ पे देखना यहाँ गैप है कम और यहाँ गैप फिर ज्यादा होना चाहिए था और यहाँ ऊपर ट्राइंगल होना चाहिए, इस तरीके से आपका ऑप्शन 3 बन रहा है। ऑप्शन सेकेंड कैसे बनेगा, ऑप्शन सेकेंड बनेगा कि यहाँ गैप जो है कम है, दूसरी बात यहाँ गैप ज्यादा होना चाहिए, और जो ये वाला ट्राइंगल है आपका जो यहाँ बनेगा, ये ट्राइंगल आपका स्मॉल होना चाहिए, छोटा ट्राइंगल आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो कैसे बनेगा उसको आपको चेक करना है, कि इसका कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है, ये बीच वाला जो ट्राइंगल है वो स्मॉल होना चाहिए और नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो आपका बड़ा ट्राइंगल होना चाहिए, बिल्कुल। 22वें क्वेश्चन को चेक करिए आप सब, कि 22वां क्वेश्चन आपका कैसे करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को चेक करिए प्यारे बच्चों, 22 जो क्वेश्चन है उसमें आप सबका क्या आंसर आने वाला है, बस ऐसे ही सोल्व करते जाओ, 1/4 पार्ट में बांटते चले जाओ, सिंपल है, इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं, आप सबका सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा पढ़ने की जो चीज है नॉन वर्बल में, ज्यादा जो चीज है आपकी मेन है वो है आपका मिरर इमेज है प्यारे बच्चों, वोटर इमेज है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने क्या किया था, पेपर कटिंग हम सोल्व कर चुके हैं, पेपर जो कटिंग है वो हम पढ़ चुके हैं, अभी फिलहाल हम पेपर फोल्डिंग पढ़ रहे हैं। पेपर कटिंग आपको समझ आता है तो फोल्डिंग में कुछ बचेगा नहीं। एम्बेडेड फिगर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, एम्बेडेड फिगर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, कि आकृति को पूर्ण करना वो हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीटेशन ऑफ फिगर वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो बाकी क्या रह गया है, बाकी रहता है आपका डॉट फॉर्मेशन है, काफी चीजें रहती हैं, इसकी सीरीज रहती है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो रहता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो आपका रहता है, उसके बाद में आपका डॉट वाला पार्ट है वो रहता है इसके अंदर नॉन वर्बल में, तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आप सबका आंसर क्या आ रहा है, डी पार्ट आ रहा है, तो डी एकदम सही है, यानी कि वो इसको फॉलो कर रहा होगा, इस वाले पार्ट को फॉलो कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4। 22वें का 4 एकदम सही आंसर है आप सबका, देखो परु ने परी बन के दिखा दिया। इसको फोल्ड करना है प्यारे बच्चों, तो इसने फोल्ड कर रखा है किस साइड में, इस साइड में फोल्ड कर रखा है, बस ये ट्राइंगल जो है ट्राइंगल उठ के आ जाएगा, ये मिरर के नजदीक है तो मिरर के नजदीक ही रहेगा, नीचे की तरफ ट्राइंगल का मुख है तो नीचे की तरफ ही इसका मुख रहेगा, और आंसर आपका बन जाएगा। आप देख सकते हो कहाँ पे ये सही है, कि जितना इसने बना रखा था ये तो होना चाहिए सेम, कि सर ये पार्ट तो सेम होना चाहिए हर एक में, ठीक है,
ये पार्ट आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये सेम रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में सेम नहीं, यहाँ पे जाकर के गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड में फेस सही नहीं है, इस वजह से गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या गलती की हुई है कि सर यहाँ पे ये जो ट्राइंगल इसने इतना गैप दे रखा है, ये गलती है। ये ट्राइंगल होना चाहिए आपका कहीं ना कहीं ऐसे नजदीक होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका फेस बन रहा है, जो फेस वैल्यू है, प्यारे बच्चों फेस वैल्यू को आपको ध्यान रखना पड़ता है कि फेस वैल्यू यहाँ पे है। अब या फिर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर आपका ये कि ये जो लाइनिंग आपकी बन रही ना, ये लाइनिंग जब आप ऐसे फोल्ड करोगे तो वो लाइनिंग ऐसे होनी चाहिए। जो लाइनिंग यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये लाइनिंग यहाँ पे नजर आ रही है, ये लाइनिंग आपकी यहाँ बननी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइनिंग बननी चाहिए। और ये किस में बन रहा है, केवल फॉलो किसके अंदर हो रहा है आपका, वो फर्स्ट ऑप्शन में ही फॉलो हो रहा है। तो हर एक ऑप्शन तो बाकी आपके गलत हो गए। तो हंसिका वर्मा आपका डी आंसर गलत है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 24वें क्वेश्चन को चेक करते हैं, 24 कैसे होगा। दो क्वेश्चन और बाकी, एक 25वां और एक 26वां, खत्म। 25th क्वेश्चन है और 26th क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फिर खत्म हो गया। बस ये दो ही क्वेश्चन बचे हैं फिर खत्म। देखो कैसे है कि अब इसको फोल्ड करना है आपको, इस साइड में फोल्ड करना है। ये लाइनिंग जो है, सबसे पहले आपकी लाइनिंग होगी यहाँ पे, आप सबकी लाइनिंग ये आ गई है यहाँ पे। जो एरो वाला पार्ट है, एरो वाला पार्ट हो जाएगा आपका यहाँ। सर्कल दूर है तो सर्कल दूर ही रहेगा, यानी कि हो जाएगा ये पार्ट। तो देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो इस चीज को, कौन फॉलो करता है, इस चीज को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन थर्ड है और ऑप्शन फोर्थ है। ऑप्शन थर्ड की गलती यह है कि उसने यहाँ लाइनिंग नहीं दे रखी है, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन थर्ड गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही है। फर्स्ट की गलती यह है कि उसने अंदर की साइड में ये एरो रखे हुए, इससे गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ने तो बहुत गलतियां कर रखी है। तो फोर्थ ही आप सबका सही है, एकदम सही है। कि सर मैंने ही ए लिखा था, बाकी ने तो पता नहीं, ठीक है। आप सबका आंसर एकदम सही है प्यारे बच्चों, डी आंसर एकदम सही था, भावना का, कप्तान का, पहलवान जी का, हंसिका वर्मा, अमन तिवारी, पीहू, अमित कुमार, विकास कपूर, पहलवान जी, मीनाक्षी डबास, संजू कौशिक, मंजीत डागर, तनु गहलोत, हर्ष करब, अमन तिवारी, बहुत अच्छे बच्चे। आप सबका आंसर एकदम परफेक्ट है। 25वें क्वेश्चन को चेक करिए कैसे होगा। ये आपसे बोल रहा है कि आपको इतने 1/4 पार्ट में यहाँ आपको फिलअप करना है, मोड़ना है, ठीक है, मोड़ दो। ये जो डार्क पार्ट यहाँ दिख रहा है, इस डार्क पार्ट को यहाँ पे मोड़ देंगे, यानी कि आपको ऐसे इस तरीके से मोड़ना है। ये डार्क पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा, ये जो आपका ट्राइंगल शेप बन रही है, ये ट्राइंगल शेप हो जाएगी आपकी यहाँ पे, इस तरीके से बनेगी। ये जो डायमंड बन रहा है नजदीक, यही आपका डायमंड बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे। सर्कल दूर है तो यही सर्कल आपका कहाँ बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा यहाँ पे। बॉक्स जो है बाहर की तरफ है तो बॉक्स आपका बाहर की तरफ ही रहेगा। तो आप सब देख सकते हो आपका आंसर क्या बनेगा। तो केवल जो इस साइड का पार्ट है वही आपका फिलअप करेगा, यही आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में क्या गलती है, फर्स्ट में गलती है सिर्फ इनकी, फर्स्ट की गलती है ये, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे चीजें जो है वो एकदम सही है, सेकंड की बातें वो सही है, तो सेकंड आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट है। थर्ड में चेक कर लेते हैं, यहाँ बॉक्स आना चाहिए था, इस वजह से थर्ड आपका गलत है। फोर्थ में गलती ये है कि यहाँ पे एक डॉटेड पार्ट यहाँ आना चाहिए था, जो गिवन नहीं है, तो फोर्थ इसलिए गलत है। सेकंड एकदम सही है आप सबका। क्वेश्चन लास्ट 26th लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये इसको सोल्व करने की कोशिश करो, बताओ आप सबका क्या आंसर होगा। लास्ट फाइनल अपना क्वेश्चन आ चुका है, सबकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया थी, एक आध क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने गलती कर रखी है, बाकी सबका एकदम सही आंसर है। चेक करिए 26 को, 26 में आपका क्या बनेगा। अगर आप इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे तो ही आपका आंसर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। इसको फोल्ड करना है तो सिंपल वैसे ही बनेगा, सेम बनेगा। जो पार्ट आपको यह हाफ नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, उतना ही पार्ट बनेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनने वाला। कि ये जो आपका येलो पार्ट में मैंने अभी बनाया है तो सेम एज इट इज ही रहेगा, बाकी नया इसमें कुछ भी नहीं होना है। हाफ पार्ट जो है येलो पार्ट का, ये इतना ही रहेगा, इसमें नया कुछ भी नहीं होना है प्यारे बच्चों। तो आप सब चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कौन से ऑप्शन में गलती है। फर्स्ट ऑप्शन में तो गलती जो आपकी है वो ये है कि इसने यहाँ पे एक लाइनिंग नहीं लगाई,
ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन में गलती होगी। सेकंड ऑप्शन की गलती ये कि सर्कल थोड़ा सा यहां तक बाहर आना चाहिए था, ये सेकंड ऑप्शन की गलती है। थर्ड ऑप्शन की गलती ये कि ऊपर वाला सर्कल आधा यहां तक आना चाहिए था, इस वजह से थर्ड ऑप्शन की गलती है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है, हर एक चीज को फॉलो कर रहा है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो है पेपर होल्डिंग है वो आपका खत्म हो गया है, ठीक है। आज आपका वेंसडे था, फिर थर्सडे है और फ्राइडे है, आपका नॉन वर्बल का पार्ट ही चलेगा प्यारे बच्चों। हो सकता है कि मैं इस सप्ताह कोशिश करूंगा कि नॉन वर्बल आपका कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। नॉन वर्बल का पार्ट आपका इस सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, चाहे हमें क्लास जो है थोड़ी बढ़ानी पड़े तो शायद हम क्लास बढ़ा सकते हैं कि एक घंटे की क्लास है तो दो घंटे भी चल सकती है। सैटरडे को क्लास हो सकती है कि आपकी दो घंटे की क्लास चल जाए, क्योंकि आपका नेट बच जाता है ना थोड़ा बहुत सैटरडे को, इस वजह से सैटरडे या संडे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, बाकी चीजें भी चलेंगी, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए सबको गुड नाइट। बाकी वीडियो आप सारी देखते रहा करो, पीछे वाली आप प्रैक्टिस करते रहा करो, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है आप सबके। शुभ रात्रि भाई, गुड इवनिंग सलोनी वत्स, गुड इवनिंग डियर हर्ष क्रब, संजू कौशिक, अमित कुमार कप्तान, गुड इवनिंग बच्चे, सबको गुड नाइट। तो सब मजे लो, बस पढ़ते रहो। कल आपके लिए दोबारा से फिर मैं सेशन लेकर के आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू क्लास रहेगी आपकी, डेली आपके साथ पीएम पे ही क्लास रहती है, कल भी आपके साथ पीएम पे ही रहेगी। लाइक भी कर दो, हाँ जी लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, मेरे को नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं।